लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई में वाहन चोरी की कुछ वारदातें बढ़ गई थी, तो इसके लिए कुछ स्पेशल स्क्वाड्स पूरे कमिश्नरेट में डिप्लॉय किए गए थे, जिसमें से APMC पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्री रामूगढ़े और उनका स्टाफ की तरफ से PSI अवाड़ा और उनके स्टाफ ने पेट्रोलिंग करते समय उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक संतोष डोंगरे नाम का एक लड़का जो है रबाड़े में रहता है, बेसिकली वो लातूर का रहने वाला है, जो गाड़ी चुराता है और गाड़ी बेचता है। तो उसको शाम को दबोच लिया, उसको इंट्रोगेशन के बाद उसने डिस्क्लोज़ किया है कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ चोरी की, उसमें उसका भाई उसका सपोर्ट करता था गाड़ी बेचने के लिए, वो वांटेड है, उसको ढूंढने के लिए हमारा टीम बाहर है। अभी तक APMC पुलिस स्टेशन ने 8 कुछ व्हीकल्स रिकवर किए, जिसमें से कुछ 2 मोटरसाइकिल्स है, ओमनी वैन है, रिक्शा है, इको कार है। 8 व्हीकल्स में से टोटल 7 ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए, जिसमें से APMC पुलिस स्टेशन के 2 हैं, रबाड़े पुलिस स्टेशन के 2 हैं, NRI पुलिस स्टेशन का 1 है, डोंबिवली पुलिस स्टेशन का और तुर्बे पुलिस स्टेशन का 1 करके 8 ऑफेंस डिस्क्लोज हुए हैं, उन्होंने कबूली दी है। वो 8 ऑफेंस में से 7 व्हीकल्स पुलिस ने रिकवर किए, कुल मिलाकर 8.5 लाख रुपए का मुद्देमाल रिकवर किया है। अभी उसको पूछताछ जारी है, वो PC में है, तो उसने और कहीं वारदात की है क्या, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन कर रहा है। जो उसका भाई वांटेड है, वो उसको गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि उनका मोडस बेचने का मोडस कैसा है।